गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे से है ना? वेरी गुड। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ने के लिए रेडी हैं? वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप तो बहुत ही गुड बॉय है ना? सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे, ये हम जानते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं ना? गुड। चलिए, तो आज आपकी क्लास कौन सी है? वन यूकेजी विषय हिंदी। आपको पढ़ना क्या है आज? हिंदी की बुक से पेज नंबर 49। चलिए लिखिए, पेज 49। पेज नंबर 49 में आपको आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ना है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था लेकिन समझा नहीं था, आज मैं फिर से लिख करके आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना? तो आइए बच्चों, लिखना शुरू कीजिए आधे अक्षर वाले शब्द, जिसे हम संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं। चलिए पहले आधे अक्षर वाले शब्द लिख लीजिए। निकालिए आधे अक्षर वाले शब्द में जो मैं लिख रही हूं, आप लोग भी लिखिए और साथ साथ मेरे साथ पढ़ते चलिए। बोल बोल करके लिखना है, जो भी चीज लिखिए बोल कर लिखिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले जो भी चीज आपकी बुक में है उसे मैं लिखवा देती हूँ, लिखिए। क च च संयुक्त आकार कच्चा। व च च संयुक्त आकार बच्चा। म क क संयुक्त आकार मक्का। फिर प क क संयुक्त आकार पक्का। क्या ये प क का संयुक्त आकार पक्का? इसके बाद प्यारा, प य संयुक्त आकार र आकार प्यारा। फिर ह ल द संयुक्त डिब्बी हल्दी। र स
संजू देव ई रस्सी च बाका संजू दीर्घी चक्की पाया संधि आकार ल आकार ल प्याला झ हर्षु झु ग ग संधि दीर्घी झुग्गी फिर से देखिए चश्मा च शव संजुक आकार चश्मा प तथा संजुक आकार पत्ता व यज संजु आकार ज ब्याज छ ज ज संजु आकार छज्जा स चचा संजु आकार सच्चा ठीक है। इसके बाद ग नाना संजु आकार गन्ना त क त त क त संयुक्त दीर्घी तक नहीं सॉरी तक ही होगा ना त का हो गया त ख त संयुक्त दीर्घी तकती से लिखी अच्छे से ठीक है तख्ती। इसके बाद है मक्खन म क ख संजु न मक्खन ओके। फिर लच्छा ल चछ संजु आकार लच्छा म क ख संजु दीर्घी मक्खी। तो ये आपकी बुक में जितने भी शब्द थे उन्हें मैंने लिखा। चलिए आप लोग भी नोट कीजिए। अब इसे हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, जिसमें आपको ऐसा है कुछ शब्द हम अपनी मर्जी से भी आपको लिखा देते हैं, जिसे हम संयुक्त शब्द बोलते हैं, आधे अक्षर वाले शब्द। जैसे देखिए क्या है स क संयुक्त इसे बोलते हैं ठीक है। स क संयुक्त दीर्घू ल स्कूल क्या बोलेंगे इसे स्कूल स्कूल नहीं बोलेंगे स्कूल नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे स्कूल
क्या बोलेंगे बच्चों? स्कूल, ठीक है। फिर सटा संधि, आकार ई ल स्टाइल, ई शायद होगा खरस भी होगा, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। चलिए इसे पढ़िए, क्या है? स ट संयुक्त, आकार ई ल स्टाइल, नहीं होगा रस्मी नहीं होगा, ठीक है। ये है स्टाइल, इसे आप स्टाइल नहीं बोलेंगे, स्टाइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टाइल। स जो है उसे आधा हल्का सा टच कीजिएगा, स्टाइल, ओके। अब लिखते हैं क री क्री श ण संयुक्त, आकार भी दे दीजिए। तो ये हो गया कृष्णा, क्या है? कृष्णा, क्री शा संयुक्त, आकार कृष्णा। फिर कृष्णा त री त्री शा संयुक्त, आकार कृष्णा। ये संयुक्त अक्षर है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ और भी याद करती हूँ, जैसे मच्छर, ठीक है, माँ नहीं लिखाया है इसमें, नहीं लिखा हुआ है। चाचा संयुक्त र मच्छर, माँ काका संयुक्त देखी मक्खी, फिर आगे लिखिए नाम, जैसे कि पप्पू, प प प संयुक्त, सॉरी प, फिर प प संयुक्त दीर्घ, फिर निकलेगा ख टाटा संयुक्त, आकार खट्टा, फिर विद्यालय लिखिए वी द संयुक्त हो गया, ये वी द संयुक्त, आकार ल य विद्यालय, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द हैं जो हैं संयुक्त अक्षर यानी आधे अक्षर वाले शब्द। पढ़ लीजिए इसे, कच्चा बच्चा मक्का पक्का प्यारा स्कूल मच्छर हल्दी रस्सी चक्की प्यारा झुग्गी साई मक्खी चश्मा पत्ता ब्याज छज्जा सच्चा कृष्णा पप्पू गन्ना तक्का।
मक्खी मक्खन लच्छा मक्खी कृष्णा विद्यालय। तो इस तरह से आप लोगों ने आधे अक्षर वाले शब्द को जाना पढ़ा।